हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक उसकी हम एक FIR कराएंगे, अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे FIR। और कौन करता है रिगार्डिंग डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू से अभी उसके वर्ड्स ही माने, जब इतने डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। हमारी एक बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो, और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे। और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके उनकी यूनिवर्सिटी के, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत के पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों के जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? एक बहुत स्ट्रांग र्यूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और दो बच्चे मर गए, इस तरह की। हम सब उसको डिनाई करते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में, और इसलिए उसको 200 इंजर्ड 200 ठीक है, जो इंजर्ड है उनकी लिस्ट है हमारे पास, नियरली 200 थे टोटल, उसमें से काफी जामिया के भी हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर इंजर्ड हुए हैं। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया, जिसमें बस में कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये आग लगाई गई है, तो कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए। सरासर झूठ है, बहुत ही निंदाजनक है इस तरह से सोच, इस पे ज्यादा टिप्पणी में नहीं करना चाहता। ये आंखों देखी बात है, आंखों के सामने की बात है। जब ये मॉब, वायलेंट मॉब जब गाड़ियों में आग लगा रही थी, हमारे पुलिसकर्मी काफी प्रयास करके आसपास के लोगों से मांग करके, पानी मांग करके उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। जिस बस की बात हो रही है, हमारे पुलिसकर्मी पास में से बोतल में पानी मांग करके उसमें गाड़ी को पानी डाल करके आग जलाने से गाड़ी को बचाए हैं। पास में पुलिस की मोटरसाइकिल चल रही थी, उस पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसको आग को रोका गया, वरना वो दोनों DTC बसें जो वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी वो भी आग में वो राख हो जाती। जामिया स्टूडेंट से कोई अपील करेंगे? जामिया स्टूडेंट्स को ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह से उपद्रवी तत्वों के साथ सम्मिलित होने पर उनके यूनिवर्सिटी की इमेज पर आँच आती है और उनके ऊपर जो समाज का इम्प्रेशन वो खराब होता है। और पीसफुल प्रोटेस्ट का स्थान है इस देश में, किसी भी प्रकार का वायलेंस और आगजनी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कराना और सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव करना, ये कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह से एक्टिविटीज ना करें और जो भी उनको कहना है, जो भी बात रखनी है, शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से वो लोग रख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।